पर्थ से इंडिया साउथ अफ्रीका के गेम के पहले बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में शामिल होने के लिए। हमारे साथ क्रिकेट फैंस हैं, हमेशा की तरह इंडिया का गेम हो, आज तो यहाँ पाकिस्तान का भी गेम है लेकिन इंडिया का गेम जब होता है मैसिव क्राउड्स, अभी से लोग आ गए हैं काफी समय, आप बताइए क्या नाम है आपका? My name is Raghav and Raghav. I'm from Bangalore, from India. Bangalore से हैं आप? Yeah, but मैं पहले आया क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आप आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल यार। इंडियन फैन है? बिल्कुल। बहुत बढ़िया, क्यों आए? क्योंकि पाकिस्तान में अच्छा प्लेयर्स है और लास्ट गेम हम देखा वो कितना पैशन है और यू नो हैविंग अनदर इंडिया पाकिस्तान फाइनल वुड बी परफेक्ट फॉर दिस टूर्नामेंट। थैंक यू राघव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इस टूर्नामेंट में हमें लगातार देखने को मिल रही है। फैंस जो हैं वो अच्छी क्रिकेट को देखना चाह रहे हैं। राघव बैंगलोर के इंडियन फैन हैं, देखने आए हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स को बिकॉज वो अच्छे क्रिकेटर्स हैं। आप बताइए आप कहाँ से हैं? मैं चेन्नई से हूँ। आप चेन्नई से हैं? हिंदी तो आप राघव से अच्छी बोलती हैं। वो बैंगलोर के हैं, आप चेन्नई की हैं? क्योंकि मैं पहले आए थे। आप पहले आते इसलिए भूल गए? नहीं, मैं एक्चुअली अबू धाबी में पली बड़ी हूँ। अच्छा। तो मैंने बहुत पाकिस्तान के मैचेस देखे हैं। अच्छा, ये पहला। पाकिस्तान टीम में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? बाबर आजम। चल नहीं रहे हो आप, कुछ करिए कि कुछ बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं आजकल ना? हाँ, मैं जा रही हूँ ना, तो मामला आज कर देंगे। आप जा रही है तो आज बाबर आजम कर देंगे, क्या बात है। आप बताइए आपका नाम जान सकता हूँ? माला। अभी आपसे बात करेंगे सर, आप बताइए। जी, मेरा नाम नील है और मैं केनिया से हूँ लेकिन मैं इंडिया को सपोर्ट करता हूँ। आप केनिया से इंडिया को सपोर्ट करते हैं? करेक्ट। और हम एक बहुत पुराने फैन मिले हैं इसी वीडियो में, सॉरी नील आपकी बस दोबारा आएंगे। हम आपसे 2019 में मिले थे। बिल्कुल, मुलाकात बीबीसी से हुई थी, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल याद है, आपने बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। मैं और मेरी वाइफ इंग्लैंड में मिले थे, वाइफ भी साथ में थी और इस बार दिवाली के कारण वो नहीं आ सके यहाँ पे। जी जी, बट आप पहुंच गए, हम पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे मिलके। हर वर्ल्ड कप में जो आपसे मुलाकात होती है, मेरा 14th क्रिकेट वर्ल्ड। हाँ, मतलब जितने वर्ल्ड कप मैंने किए हैं कम से कम कोई 7 किए होंगे। हर वर्ल्ड कप में आपसे मुलाकात होती है और बीबीसी बहुत अच्छे कवरेज करती है, रेडियो भी हमारा इसके बनाती है प्रोग्राम। जी जी, और बहुत अच्छा, लोग बहुत पसंद भी करते हैं। शुक्रिया। अभी क्या लग रहा है टीम के चांसेस के बारे में? टीम के चांसेस ऐसा है सर, अभी भारत का जो है जीतने के 2 बार जीत चुके हैं और साउथ अफ्रीका के साथ हमने एक्चुअली अभी इंडिया में जब मैचेस हुए हैं तो 2-1 हम लोगों ने जीता हुआ है। थोड़ा इधर आ जाए, लाइट भी आ रही है। क्या है कि उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारा माहौल बहुत अच्छा है और टीम का मनोबल बहुत बहुत तेज है, तो जीतने के चांसेस हमारे बहुत हैं और बस खाली एक आज टॉस बढ़िया जीत जाए और एक टॉस की बात है। किसी एक बैट्समैन को आप चाहते हैं जो फॉर्म में लौटे तो फिर मैं तो चाहता हूं कि वे केएल राहुल बिल्कुल लौटे, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफेक्ट बैट्समैन। ठीक है, तकदीर उसका साथ नहीं दे रहा है लेकिन अगर परफेक्शन की बात करें तो केएल राहुल का कोई मुकाबला नहीं। माला, आप क्या सोचती हैं राहुल के बारे में? अर्श को सपोर्ट कर रहे हैं सर कि एक बार कभी अगर कोई बुरी परफॉर्मेंस हो जाए जैसे हमने पिछली बार देखा था, तो मैं चाहता हूं कि देश भी सपोर्ट करे कि ऐसे कभी हम ऐसा होता है कि रिलीजन के नाम पे जैसे कुछ लेकिन हर्षदीप अब तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए और हमेशा यंग प्लेयर्स को सपोर्ट मिलना चाहिए, जरूरी मिलना चाहिए और देश को सपोर्ट करना चाहिए। किस ऐसे प्लेयर को आज आप फॉर्म में लाना चाहते हैं? आज सर जैसे उन्होंने पहले कहा कि केएल राहुल का और अर्शदीप का तो हम जानते हैं कि ये उभर के निकल के आ रहा है, अभी नया प्लेयर है और इसको मौका मिलता रहना चाहिए। जी, आप बताइए माला, उस बात हो रही थी कि किस ऐसे प्लेयर राहुल की बात हो रही थी फॉर्म में आने की इंडियन टीम में। लेकिन अभी बड़े मैचेस में नहीं खेल रहे ना? नहीं यार, बट यू नो बड़े प्लेयर्स को टाइम परफॉर्म कर सकते हैं आना चाहिए ना, सो वी नो दैट ही इज अ गुड प्लेयर, जस्ट अ टाइम हैज टू कम। आई थिंक राहुल बड़े प्लेयर हैं, आपको लगता है टाइम आना चाहिए? आपके पास भी हमारे विपुल पटेल हैं। जी पटेल साहब, 2007 से हम लोग हर वर्ल्ड कप साथ में। स्वागत है आपका पटेल साहब बीबीसी में। और बताइए कि फिर इस बार टीम इंडिया के चांसेस क्या लग रहे हैं? अभी 2 गेम 4 पॉइंट। देखो, खेलना पड़ता है, सब लोग जीत जाएंगे, यू हैव टू परफॉर्म ऑन द फील्ड, तो वो है। अभी गेम चालू नहीं हुआ है, कोशिश करते हैं कि इंडिया जीत जाए, कोशिश करते हैं। हाँ। लेकिन साउथ अफ्रीका टफ ओपोनेंट है, मानते हैं 100%, जैसे वो बैटिंग कर रही है अनबिलीवेबल और बॉलिंग भी बेहतरीन है। पर्थ में यहाँ पर ये विंडी कंडीशंस हैं और ड्रॉप इन विकेट है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि स्विंग होगी और
बाउंस भी मिलेगा बॉलर्स को। इसमें ऐसा है, इस बार पर्थ के अंदर यहाँ की जो पीच है यहाँ बहुत ही कम रन बनते हैं और उसके अंदर पूरा टीम को मिलजुल के करना पड़ेगा। अकेला बैटिंग वाला बैटिंग करेगा, बॉलिंग फेल जाएगा तो हम नहीं जीत पाएंगे। यानी इंडिया को आज बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बैलेंस करना है और अच्छा अपना परफॉर्म करना, अपना बेस्ट देना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आप लोगों से दोबारा बात करेंगे। पर्थ में सेंस ये है कि ये जाहिर सी बात है कि बैटिंग विकेट कहते हैं लेकिन बॉलर्स के लिए पैराडाइज है। विंडी कंडीशन है यहाँ पर, मौसम अभी काफ़ी अच्छा है और दोनों को ही बैट्समैन बॉलर्स को परफॉर्म करना होगा अगर इंडिया की बात करें तो। नितिन श्रीवास्तव नैयर कैमरा के पीछे थे।